अगर हम मोहम्मद से लीडर है, दारुल उलूम देवबंद से लीडर है, अगर हम सऊदी अरब से लीडर है, तो इनसे डर जाएंगे दो दो पौड़ी के इन अफसरों से जो केवल हिंदुओं में बदतमीजी कर सकते हैं। अभी पीटीआई पुलिस मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर के नफरती पुजारी को आप जानते ही होंगे। ये नफरती पुजारी नरसिंहानंद आए दिन किसी न किसी को उल्टा सीधा बोलता रहता है, गालियां देता रहता है, खास मजहब को टारगेट करता है। जब यूपी पुलिस ने नफरती महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी, तो अब डासना मंदिर का नफरती महंत अब यूपी पुलिस को ही गाली देने लगा है। यूपी पुलिस के अफसरों को दो दो कौड़ी का बोला जा रहा है। यह है उत्तर प्रदेश की बाहुबली पुलिस की सच्चाई कि उसके सामने ही उसको गाली दी जा रही है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। 18 मुकदमे वाला अपराधी यति नरसिंहानंद जो खुलेआम ऑन रिकॉर्ड यूपी पुलिस के अफसरों को गालियां दे रहा है, यूपी पुलिस अब क्या कर रही है? जिस जगह नरसिंहानंद ये बात कर रहा है वहां पर यूपी पुलिस के अफसर भी मौजूद हैं, लेकिन वो यूपी पुलिस को गालियां लगातार दिए जा रहा है। कह रहा है कि जब मैं किसी से नहीं डरा तो यूपी पुलिस क्या है, ये तो दो दो कौड़ी के अफसर हैं। इस महंत के अंदर इतना नफरत भरी है कि आए दिन किसी ना किसी को बुरा भला कहता रहता है। अब क्या कह रहा है वो आप भी सुनिए, और पुलिस भी वहां मौजूद है, क्या क्या बातें हुई वो आप सुनिए। पहले आज एक अधिकारी बताए ना, इस उत्तर प्रदेश का एक नेता बताए कि उसके पास किसी दलाली के लिए गए हो। और अगर हम इन मुसलमानों से नहीं डरे, अगर हम मोहम्मद से नहीं डरे, दारुल उलूम देवबंद से नहीं डरे, अगर हम सऊदी अरब से नहीं डरे, तो इनसे डर जाएंगे दो दो पौड़ी के इन अफसरों से जो केवल हिंदुओं में बदतमीजी कर सकते हैं। अभी पीटीआई पुलिस, तो आपने इस नफरती महंत को देखा कि किस तरीके से पुलिस को ही अब गालियां देने पर उतर आया है। जब यूपी पुलिस ने इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की शुरुआत करी तो अब यूपी पुलिस को गालियां देने लगा। इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाकयात नफरती महंत ने किया है कि आपने उसको देखा ही कि जब डासना मंदिर में एक मुस्लिम बच्चा पानी पीने नल से गया था तो उसको पकड़कर उसके किसी गुर्गे ने उस बच्चे को मारा और कहा कि इस मंदिर में मुसलमानों का आना मना है, तो तुम इस मंदिर में कैसे आ गए। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इसने गलत बातें कही थी, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इस नफरती महंत को गिरफ्तार नहीं किया गया। FIR उसके बाद हुई थी, लेकिन कई और मामले आए। भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक महिलाएं हैं उनको भी ये गालियां जब देना शुरू कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इससे अपना पल्ला झाड़ लिए, नहीं तो पहले इसके समर्थन में थे। अब यूपी पुलिस ने इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की शुरुआत जैसे ही करी तो अब यूपी पुलिस को ही गालियां देने लगा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि नरसिंहानंद कुप के यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com